डेवलप हो रहा है। कितने लोग ऐसे जो लोग ये कहते हैं मेन सेशन ही छोड़ दिया आपने पूरा। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जबलपुर में आईटी सेक्टर कितना फ्लरिश है और क्या इसका आने वाले समय में कोई जबलपुर में कुछ डेवलपमेंट होगा कि जबलपुर ऐसे ऐसा ही रहेगा जितना ग्रोथ होना चाहिए था कि क्या ग्रोथ हो पाया नागपुर के मुकाबले जबलपुर भोपाल के मुकाबले इंदौर के मुकाबले हमारा जबलपुर आज कहाँ सेट है। रोजगार के लिए आईटी सेक्टर कितना इम्पोर्टेंट है ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है क्योंकि आप लोग में से कईयों को लगता है कि आईटी सेक्टर आए ना आए बस पटवारी की एग्जाम आता रहे रोजगार सबको मिलता रहेगा। कई लोग जबलपुर में सबसे जबलपुर की बात है कि कलेक्टर की एग्जाम निकलते जाए पटवारी की एग्जाम निकलता है रेलवे बैंक एग्जाम निकलते जाए ऑटोमेटिकली बेरोजगारी घटेगी। अगर घटनी होती तो आज क्यों नहीं घटी। कलेक्टर की नौकरी तो हमेशा निकालती गवर्नमेंट क्योंकि कलेक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट। आप देखते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में पुलिस की नौकरी में निकलती है रेलवे की नौकरी निकलती है आपके बैंक की नौकरी निकलती है तो इतने बेरोजगार क्यों पैदा हो गए क्यों इतने बेरोजगार पैदा हो गए कारण क्या है। कारण सिर्फ एक ही कि सरकार को सिर्फ 2% या 1% भी सरकार जो टोटल पॉपुलेशन का मुश्किल से 2% ज्यादा ज्यादा लोग चाहिए सरकारी विभाग में व्यस्त। सरकार को 100% होने चाहिए 1 करोड़ लोग पर कितने पुलिस अपना सरकार को बताए। कलेक्टर एक जिले का एक ही होता है। अब बेरोजगारी बढ़े तो 10 कलेक्टर तो नहीं बनाएगी गवर्नमेंट क्योंकि सर बेरोजगारी बढ़े 10 कलेक्टर रखो जिले में एक ही रखेगी गवर्नमेंट। बेरोजगारी बढ़ रही है तो क्या करेंगे आपके हर घर पर एक स्टेशन बना देंगे गवर्नमेंट रेलवे का स्टेशन बना दिया हर कॉलोनी में एक रेलवे स्टेशन भुवनेश्वर स्टेशन मदनगढ़ स्टेशन रांची घड़ा क्यों बेरोजगार कर थे नौकरियाँ नहीं मिल रही थी क्या स्टेशन बनाएगी गवर्नमेंट नहीं बनाएगी। तो आपको जानना है सरकार को लिमिटेड रिसोर्स चाहिए और लिमिटेड रिसोर्स में भी गवर्नमेंट मशीनाइजेशन कर रही है सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है। तो आप हमें समझना है कि गवर्नमेंट को जितने रिक्वायर्ड है वो कहीं ना कहीं से निकाल ले रहे हैं लेकिन हम इंसान क्या करें हम फोर्स थोड़े कर सकते कि सरकार को हमें नौकरी दीजिए। आप फोर्स थोड़े की सरकार को कर सकते हैं कि आप हमारे लिए कैसे भी गवर्नमेंट जॉब निकालिए नहीं तो हम फांसी दे देंगे। हमें दूसरे सेक्टर में जाना पड़ेगा हमें बिजनेस करना पड़ेगा हमें कुछ और सोचना पड़ेगा बिकॉज आप अपने टाइम के हिसाब से क्या गवा रहे क्या गवा रहे समय आपका टाइम निकलता जा रहा है। आज से 10 साल बाद आप एलिजिबल नहीं हो किसी जॉब के लिए आप किसी लोन के लिए एलिजिबल नहीं हो आप आज से 10 साल बाद कुछ करने के काबिल नहीं हो 10 ईयर 10 करो तो सारी जमानी पा जाएगी तो क्या करें। इस 10 साल में एक तरीका है कि राजधानी में जाकर सरकार के सामने लेट जाओ और एक तरीका है पता लगाओ कि सेक्टर्स क्या आपके शहर में है किस शहर में क्या सेक्टर है कितना डेवलपमेंट लेगा इसका पता आपको लगाना है। तो अब यहाँ पे हम लोग इस तरीके से कर दे रहे हैं कि आप सबकी राय जान लेते हैं क्योंकि डिबेट में इसमें ज़्यादा कुछ आपका क्लियरेंस होगा नहीं। वन बाय वन आप क्या करेंगे आईटी सेक्टर जबलपुर में क्या है क्या स्कोप है और क्या होना चाहिए इसको आप लोग वन बाय वन बोलना चालू कर देंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हमारे इनसे स्टार्ट करेंगे बताइए आईटी सेक्टर के बारे में। देखिए बोलना सबको है क्योंकि मैं कम्युनिकेशन के पॉइंट कहाँ से आ देने वाला ठीक है ये देखो कम्युनिकेशन के पॉइंट से भी दे रहा हूँ आपके सामने। आईटी सेक्टर जबलपुर में है एस्टैब्लिश हो रहा है आप क्या कहेंगे क्या बढ़ना चाहिए था 2023 के हिसाब से क्या रेगुलेटरी के साथ हम लोग आगे बढ़े कि पीछे रह गए। ठीक है और क्या लगता है आपको अगर आईटी सेक्टर अगर हमारा डेवलप हो जाता तो आज हमारी कंडीशन क्या रहती जबलपुर की और कई जगह हम लोग का पर कैपिटल इनकम बढ़ जाता है। पर कैपिटल इनकम मतलब हम आज 6-8 हज़ार में जिंदा है 7-8-25 हज़ार रुपये यही पा रहे थे ठीक है लाइफ स्टाइल बदल जी पैसा आता तो आज फिर आपकी लाइफ स्टाइल बदल जी आप भी बड़े बड़े ब्रांड्स खरीदते आज आपके पास भी अच्छी महंगी महंगी कारें होती गाड़ियाँ होती गैजेट्स होते गोबल इंदौर में है लोगों के पास देखा ही आपने बैठ जाते 60 विकास आई टी सेक्टर के बारे में क्या राय है 2-2 मिनट में सबका भी चेक करते जा रहे हैं। आईटी सेक्टर सर जो है जबलपुर में बाकी शहरों के मुकाबले थोड़ा कम है बट इसमें रहता क्या है सर अपने स्टूडेंट में जो अपने के जो लोग हैं जो पॉपुलेशन है उसमें इतना एनर्जी या इतना इंटेलिजेंस नहीं हो पा रहा है किसी को मतलब बड़े शहरों से मुकाबला कर सके इसलिए बड़ी कंपनियां मतलब आने में सोचती है। ठीक है और क्या करोगे अगर आप मान लीजिए अभी वोटिंग का भी टाइम है तो अगर मान लो सीएम साहब आपके सामने आ गए या कोई बहुत बड़ा नेता आ गया तो क्या आपको आईटी सेक्टर की मांग करनी चाहिए
आईटी सेक्टर की मांग बननी चाहिए सर, उसमें हम ये भी बता सकते हैं कि जो नॉलेज की कमी है ना, जो हमें बड़े बड़े शहरों में जो सारी चीज़ें जिससे हम पिछड़ रहे हैं, उस चीज़ को हमें सीएम साहब से मांग करनी चाहिए कि वो हमारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराए। यानी वोटिंग के समय हमें ध्यान रखना है कि हमें सेक्टर्स की मांग, जिसमें आईटी की नहीं बात करें, मेडिकल की भी मांग करें, इंजीनियरिंग की मांग करें, आप रिसर्चर्स की मांग करें, आप लोग कुछ मांगते ही नहीं। रिसर्चर और प्रोफेसर, हाँ रिसर्चर और प्रोफेसर अच्छे, हाँ अच्छे मांग करना चाहिए आपको कि सर हमें ये चाहिए, बस वी रिक्वायर्ड अ गुड हैंडसम इनकम। तो विकास बैंक को 65 दिया, आवाज़ इनकी